guys, welcome to the new vlog. Anyways, हम लोग घर से निकल चुके हैं. मेरी एडिटिंग बाकी रह गई आज की, तो वो रह गई पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. मैं सोच रहा हूँ यार, कभी कभार है ना, टाइम नहीं सोच के भी है ना, रैंडम टाइम से मुझे अपलोड करना चाहिए वीडियो, वो डाल देना चाहिए. क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पोस्ट है ना. आप लोग क्या सोचते हो बताना मुझे. एनीवेज, ब्लॉग की बात कर रहा था मैं, प्रैंक की बात कर रहा था. प्रैंक मेरा अपलोड करना रह गया आज का, पर हम लोग कल डाल देंगे उसको. उसके अलावा वैसे भी मेरा है ना, अगर मैं आज डालता तो सैटरडे संडे का गैप हो जाता, उसके मैं कल डालूंगा तो अभी एक दिन का गैप हो जाएगा, तो गैप्स हमारा मेंटेन रह रहा है. तो अभी हम जा रहे हैं गॉडज़िला देखने के लिए, जो कि भाई जब से ट्रेलर टीजर आए या जब से अनाउंस हुआ ना कि ये मूवी आने वाली है, तब से मैं सुपर यस, क्योंकि है ना गॉडज़िला वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स है, ठीक है. और चलो अभी तक कॉन्ग के साथ इतना अभी कनेक्शन आया नहीं, क्योंकि मैंने कॉन्ग की ज्यादा मूवीज देखी नहीं है. और गॉडज़िला के मैंने मतलब होता है ना बचपन में वो छोटे वाले पार्ट नहीं होते, जो पुराने टाइम के पार्ट होते हैं, रोबोटिक वगैरह, हाँ मैंने वो वाले भी देख रखे हैं इसके, गॉडज़िला के टीवी पे देखे. हाँ, वो तीन मुंह वाला जो वो सारे देख रखे हैं मैंने, तो मतलब माय फेवरेट कैरेक्टर है वन ऑफ द गॉडज़िला बचपन का. तो बचपन का गॉडज़िला नहीं लगता तुम दोनों के फेस, थैंक यू, उसकी बियर्ड नहीं है पर, एंड वी बोथ आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, तो ज्यादा होशियारी मत कर, ठीक है. अभी तो पता नहीं, मुझे एक ही चीज देख रहा हूँ कि मूवी के अंदर आई होप फुली गॉडज़िला अच्छा लगे, बिकॉज पोस्टर उसे लेके जब मैंने पहली बार टीजर देखा ना, तो पिंकिश जो कलर किया हुआ ना, रेडिश पिंक, मुझे गॉडज़िला भी बार्बी जैसा लग रहा है. पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बन गई, अभी उसका भी फेवरेट कलर पिंक हो गया है. तो ब्लू से पिंक कैसे हुआ ना, ये मुझे जानना है, तो मूवी में पता चलेगा. आप लोगों ने देख लिया तो बताना, क्योंकि आज पहला ही दिन है इस मूवी का, कैसी हो तो बताऊंगा, पर ऑब्वियसली अच्छी होगी है ना. ये देखो, ये मुझे लड़कियां दिखा रही है, और वो भी अच्छी भी नहीं है, बोलो अच्छी तो दिखा कम से कम. अच्छी तेरे बाजू में बैठी है, देखो. नहीं कुछ और ना, खुद के रेस्टोरेंट में खाना कौन खाता ज्यादा, दूसरी लड़कियों को ताड़ना. तू आजकल बहुत बड़ा ऐसा ही हो गया है लड़कियों को देख, जाएंगे ना मैच देखने के लिए, फिर से होगी चैलेंज, ले 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 ले. मार पड़ेगी तेरे को. चलो यार, थिएटर में पहुंचते हैं, और आज हम लेट नहीं है तो टेंशन नहीं. आज हम लोग लेट नहीं है, आराम से पहुंच सकते हैं. तो पहुंचते हैं और मूवी देखते हैं. ऐसा लग रहा है अभी तो ये मॉल ही हमारा प्राइवेट मॉल है, या तो फिर मैं यहाँ पे काम वाम करता हूँ लिटरली. होपफुली यार वो वाला थिएटर जल्दी चालू हो जाए, चालू ही नहीं हो रहा है, का नाम ले रहा है यार. हेलो, ये आपकी अमानत, पेमेंट मैं वापस आने के बाद करता हूँ. आज हम मूवी के लिए जल्दी आ गए, तो इस कॉम्प्लेक्स में आके हमने सोचा एक दो ऊपर शॉप है वहाँ पे जाते हैं, पर इतना ज्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा है, इतना ज्यादा. अभी इसमें तो है ना, हमने हमारी वॉइस थोड़ी इनहेंस की होगी इसलिए, बाकी कुछ ज्यादा ही लाउड, बहुत ज्यादा लाउड है बिल्डिंग में. क्या काम है तो ये नहीं करेंगे, ठीक है. मेरी वॉच टूट गई थी, बोलो. मेरी घड़ी है भाई, कितने टाइम से टूटी हुई पड़ी है, 6-8 महीने हो गए, ज्यादा हुए होंगे. तो उसके बाद तो मैं दो बार बॉम्बे जाके आया, उसको मैं सोचा रिपेयर कर लेता, देखा जल्दी आते तो उसका कितना फायदा होता. मैं सिर्फ पिन ठीक करने के लिए अंदर गया था, 3-4 चीजें और अंदर से निकली, 550 रुपए का खर्चा. एक्चुअली पहनी हुई थी, पिन निकल गया और गिर गई थी, और इस वजह से सारे कांटे. तो घड़ी गाड़ी के डैशबोर्ड में कितने दिन तक पड़ी हुई थी, तो अभी सब डीला हो गया, चल आ गया. बोलो अंकिता को है ना, 1 मिनट लाइन में ना खड़ा रहने पड़े, उसके लिए पूरा काउंटर ही बदल दिया है, पानी खरीदने की जगह ही बदल डाली. 1 मिनट लाइन में नहीं रुक सकती, 1 मिनट नहीं रुक सकती, आ जाता तो 2 बॉटल क्या क्या करेंगे. देखो वेस्ट ऑफ मनी भी कर रही है. इंटरवल हुए और भाई साहब गजब मूवी, अब तक हम लोग पहुंचाना तो मूवी शुरू हो गई थी, बट अभी तक एक भी ऐसा टाइम नहीं आया है. तेरा भी चेहरा दिख रहा है, तेरे आवाज नहीं आएगी फिर. एक भी टाइम ऐसा नहीं आया, तो टाइम ऐसा लगे कि यार बोर मार रहा है, स्टार्टिंग और से लगा है इंटरवल आ गया, लिटरली इंटरवल आया तो पता भी नहीं चला इंटरवल लगा. और स्टार्टिंग मूवी के स्टार्टिंग से ही फुल ऑन थ्रिल और एंटरटेनमेंट है, मतलब वो होता है दूसरी मूवी में बिल्डअप वगैरह होता है वैसा कुछ है नहीं, सीधा सीधा धमाधम ही है, मस्त. मेरे पास ऐसा पावर शुरू हो गई, चलो टाइटन नहीं मिल रहा, इसको टाइटन बनना है. तो हो चुकी है मूवी खत्म, बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है. एक हफ्ते यही बकवास कह जा रही, पर अबे बस मूवी के बारे में इतना तो बोल, नहीं चल बोल लेते.
शॉर्ट में बता दूं तो मूवी देखने लायक है, मिस मत करना गज़ब है। स्पेशली अगर आप कॉन्ग और गॉडज़िला के फैन हो तो मजा आ जाएगी, और बच्चे को ले जाओगे तो उनका तो वसूली वसूल हो जाएगा। माइंड ब्लोइंग मूवी है एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हाँ तो हमारे अंदर अंदर मूवी के वक्त ना यही चल रहा था, ये गॉडज़िला के मतलब ये कॉन्ग के बारे में ये कर रही थी, मैं गॉडज़िला के लिए ये कर रहा था, लास्ट में गॉडज़िला ही पावरफुल निकला जाता। पर बारबी गॉडज़िला इस बार पिंक गॉडज़िला। तलोद इंस्टा शो में से अंकिता ने ऑर्डर किया है थेपला सुखी भाजी। काफ़ी लोग सोचेंगे ये लोग मॉल में आके भी थेपला भाजी खाते हैं, इसमें पता है अंकिता तो ये बोल रही थी कि जब थेपले लूंगी मैं भाजी नहीं लूंगी, मैं पागल है एक सेकंड, पर पैसा उतना ही जाना है नहीं सिर्फ थेपले नहीं मिलते वहाँ पे। अच्छा इसमें अकेले थेपले मिल रहे थे तो मुझे तो लगा तू मना करने वाली, तो मैंने बोला नहीं मैं खा जाऊंगा पर ले ले। ए यार मेरे को नहीं पता था, मैं तो मेरे लिए मंगाया हुआ छोले भाजी, मतलब छोले भाजी क्या बोलते हैं छोले राइस, वो भी वहाँ पे से अमृतसरी एक्सप्रेस। अकेले थेपले खा रही है तू? ओ भाई साहब थेपला भाजी खाया सुपर टेस्टी है, रात वो आंटी ने बनाया पता है, कुछ ज़्यादा ही मस्त है, मज़ा आ गया। मेरे को है ना हम गांठिया रात पर खाते जाते हैं ना कभी अभी, उससे अच्छा लगा भाई मॉल के टाइमिंग पे मिलता है वो 24 घंटे मिलता है, इतना फ़र्क है भाई, ये टेस्टी बहुत ज़्यादा है। अमृतसरी एक्सप्रेस में भाई यहाँ पे अगर पंजाबी खाना स्पेशली राइस और छोले भटूरे तो इसका बेस्ट होता है, बाकी काफ़ी जगह मिलता है पर इसका सबसे बेस्ट होता है, अगर इस टाइप का खाना हो तो। मेरे को तो यार इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई, ऐसा लग रहा है ये नहीं मंगाया तो कभी चल जाता, पता मैं ये दो प्लेट खा सकता था। पता नहीं इस बार है ना अमृतसरी एक्सप्रेस में से क्वान्टिटी राइस की कुछ ज़्यादा ही कम आई है, तो भूख तो ज़्यादा लगी थी हाँ, तो हमने ना एक्स्ट्रा थेपले मंगा लिए क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा मंगाएंगे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, बेटर है थेपले ज़्यादा मंगा लेते तो पेट भी भर जाएगा। क्या खा रही है? खींचने की जरूरत पड़ती है क्या आइसक्रीम का? तो फिर मज़ा आती है ना। हेलो ये ले, बोले मैं भी पुरानी है, मैं भी चलो भाई हम लोग H&M में आए, मैं सोचा ब्लॉग नहीं करूँगा, फटाफट जाएंगे निकल जाएंगे। तीसरे फ्लोर पे अब घूम रहे हैं, दिमाग खराब हो गया मुझे तो, नींद आने लगी है घूम घूम के। बोल रही थी देख तेरे को कसम है डिलीट मार देना नहीं दो ना तेरा मेरा कांड हो जाएगा। एनीवेज हम लोग निकल गए मॉल से, क्या क्या मैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डालती हूँ हरकत है। हम लोग मॉल से निकल गए, अभी हमको रास्ते में से एक दो चीजें कलेक्ट करनी है यार, एक तो घर का RO प्लांट दो दिन से फिल्टर पे लगा हुआ है, मतलब फिल्टर का ऑप्शन बंदे को बोला तो बोलता है कि अरे ये तो दूसरा फिल्टर चेंज करने का है। बोला आपने सुबह बोला होता तो मैं आ जाता। पहले मुझे लॉजिक समझाने थे, पहले तो हमारा फिल्टर मतलब होता है ना सर्विस आ जाता है, तो हमारे RO में कैसा है कि जैसे फिल्टर सर्विस में आता है पानी निकलना बंद हो जाता है उसमें से थोड़ा टाइम के बाद, तो हमने उसको कॉल करके बुलाया फिल्टर वाले को, तो पहले दिन बोलता है अरे सॉरी मैं भूल गया। नहीं पहले दिन उसको बुलाया तो फिर को बोला तो उससे बोला सुबह आया ही नहीं वो, सुबह बोलना चाहिए था ना कल आता हूँ, फिर नेक्स्ट डे मम्मी ने वेट करा कि आएगा दोपहर हो गई कॉल किया तो बोला अरे मैं तो भूल गई मैं कल आता हूँ, भूल गई नहीं भूल गया कल आता हूँ, फिर वो कल आया था तो उसे देखा बोला अरे ये तो फिल्टर 1 नहीं है फिल्टर 2 है तो मुझे कल आना पड़ेगा क्योंकि आज मैं फिल्टर 1 लेके आया हूँ, तो फिर फिल्टर 2 लेके आया तो पता चला कि अंदर का भी कुछ और इशू निकाला, बोला अब तो मैं आज भी नहीं हो पाएगा कल आऊंगा, तो यही चल रहा है हमारे कितने दिनों से। भाई साहब पहले दिन आके पूरी तरह से चेक करके चला जाके क्या क्या प्रॉब्लम है, बट नहीं उनको आने का शौक होगा। अरे अपने को बाहर से पानी बार बार खरीद खरीद के जाना पड़ता है, हमारे पड़ोसी भी पानी देके जाते हैं पीने वाला और हम बाहर से भी ले जाते हैं, ये चल रहा है घर में। तो हम लोग आ चुके हैं घर पे और ये देखो मोबाइल में घुस जाती है फिर निकलती नहीं है, लेकिन एक तरफ मेरा एडिटिंग चल रहा है, रुको दिखाता हूँ, एक तरफ एडिटिंग चल रहा है और दूसरी तरफ चल रही है मैच RCB और KKR की। बोला यार 3D मूवी देख के ना बहुत आंखें जल रही, नींद जैसा आ रहा है, काम भी बहुत ज्यादा है, देखते हैं खाना भी नहीं खाया मैंने तो, बाहर खाना खाया था अभी पेट में जगह नहीं है। एक तरफ मेरी एडिटिंग चल रही थी, ये तो आज ही सो रही है, सो गई देखना इसको परेशान कर दो, उठ कैसे गई तू, उठ कैसे गई,
सो रही है, मैं एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे, सो रही है तो बोर नहीं हो रहा। मैं कपड़े वपड़े चेंज करके आगे, भाई विराट कोहली बहुत गजब खेला और एंड में कार्तिक ने भी अच्छे शॉट मारे। कोहली फर्स्ट ओवर से लेके लास्ट तक टिका रहा, गजब। ये तेरी क्या, आई ओनली लव विराट। हाँ बट आई लव यू विराट। अच्छा फाइन, अभी देखता हूँ। नहीं, 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 नहीं। क्या क्या बोल 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 अब बोल। नहीं नहीं अब बोल, बोला किसी का नाम टंकी गर्मी लग रही है तो ये बार बार एसी बंद कर देती है यार। शट अप। हाँ तो तू और रूम में जा, मेरे को गर्मी लग रही है। अलग अलग टेम्परेचर चाहिए तो तू उधर जा, मैं यहाँ पर रहेगा। कॉम्प्रोमाइज करना है। हाँ तू कर ले।